अक्सर देखा गया है कि जब मतदाता किसी नेता को चुनकर लाते हैं तो उसके बाद वह शक्तिशाली नेता बन जाता है। शक्ति आते ही वह उसका दुरुपयोग भी करने लग जाता है, जिसके चलते मतदाता भी अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। इस अवस्था पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार चाहे तो राइट टू रिकॉल का अधिकार मतदाताओं को दे सकती है, जिससे वे अगर उनका नेता मनमानी कर रहा है तो उसे वापस बुला सकती है। राइट टू रिकॉल अधिकार से नेता को सही मार्ग पर लाने का कार्य किया जा सकता है। ये अधिकार न केवल विदेश में मतदाताओं को दिया गया है, बल्कि भारत के कई राज्यों में भी ये शक्ति मतदाताओं को दी गई है। समाजसेवी विवेक शर्मा ने इस बारे में कहा कि चुनावों को तभी पारदर्शी बनाया जा सकता है जब मतदाताओं को राइट टू रिकॉल का अधिकार प्रदेश सरकार दे। उन्होंने कहा कि इस नियम से नेताओं की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस सरकार हैं, उन्हें चाहिए कि विधानसभा में राइट टू रिकॉल अधिकार को लाकर उसे लागू करें। उन्होंने कहा कि ये अधिकार जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और राजस्थान में लागू किया जा चुका है तो हिमाचल सरकार इसे लागू करने में क्यों पीछे है। शक्ति को सशक्त करना चाहते हैं और चुनावों को वास्तविकता में एक पारदर्शी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि दोनों राजनीतिक दल, जो प्रमुखता से हिमाचल में दो ही राजनीतिक दल सक्रिय हैं, वो राइट टू कॉल बैक की ऑप्शन दें अपने अपने मैनिफेस्टोस में और ये आश्वस्त करें कि हम इसे विधानसभा में ला करके हम इसे पारित करेंगे। राइट टू कॉल बैक मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा जैसे कुछ प्रांतों ने दिया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए, जिसमें सामान्य लोगों को इस बात का अधिकार होता है कि अयोग्य सिद्ध होने पर वो अपने पार्षद, मेयर या जो भी इस तरह का कोई जनप्रतिनिधि चुना गया है उसको वो वापस बुला सकें। अन्यथा ये केवल एक मजाक है, कुछ लोगों के लिए लाभांशित है, वो इसका लाभ उठाएं और आनंदित हों, और इससे अधिक इन चुनावों में हमें तो कुछ नहीं दिखता।